नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिटोप टीवी में। आज हम आपको बताएंगे कि गेमजी रोल्स और सॉफ्ट पैड कैसे बनाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली जानकारियां भी आपको मिलती रहें। दोस्तों, गेमजी बनाने के लिए हमें चाहिएगा गोज थान। ये गोज थान है, इसको हम ऐसे कट करेंगे, पॉलोथीन को हम रख देते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से आएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेंगे, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। थोड़ा सा इधर से दूसरी तरफ से ऐसे ही किनारा काट देना है इसका। ऐसे इधर से काट देंगे, अब हम इसमें से लेयर बाय लेयर होती हैं तो एक लेयर उतारेंगे, बाकी को रखते हैं। इतने एक लेयर को उतार के हम इस पे फैला देंगे इस तरीके से। आप किसी भी चौड़ी सी टेबल पे फैला सकते हैं अच्छे से, इस तरीके से फैला दिया है। अब हमें इसके ऊपर कॉटन लगाना है। ये हमारा कॉटन है, कॉटन को हम बॉक्स करेंगे इसमें से। अब हम इसके ऊपर कॉटन फैलाएंगे इस तरीके से, ऐसे इस पे कॉटन फैलाना है हमें इस तरीके से फैला देंगे। फिर दोबारा इस तरीके से हम इसमें तीन बार फैला सकते हैं इस स्थान पे, कॉटन की तीन बार लेयर आ जाएगी जैसा आप देख पा रहे हैं। ऐसे तीन बार लेयर आ गई हैं इस पे, ठीक है। अब हम गोज थान से एक लेयर और लेंगे, अब एक लेयर को हम इसके ऊपर से फैला देंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल बराबर करके इस तरीके से हम फैला देंगे। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। इसके ऊपर फैला देंगे। फैलाने के बाद हमने इसके ऊपर ऐसे हाथ मारना है ताकि इसमें से ये चिपक जाए अच्छे से। चिपक जाएगा तो बार बार कटिंग करते टाइम ये उखड़ेगा नहीं, ऐसे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम इसमें से काटेंगे बीच से, इसको ऐसे अलग कर लेंगे। ऐसे हम दूसरा बीच से काट देंगे, देख पा रहे हैं आप, देखो इजीली कट जाता है, कोई ज्यादा वो नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है इसको बनाना। देखो लंबी भी गेमजी बनेंगी, इतने बड़े साइज की बनाएंगे आप लंबाई में तो अच्छी रहेंगी, क्योंकि आपको कहीं लंबी गेमजी की ज़रूरत पड़ रही है और आपके पास छोटी छोटी हैं तो उसमें थोड़ी सी कई बार लगानी पड़ती है, बड़ी है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसको बीच से कट करेंगे ऐसे, देख पा रहे हैं आप,
हम बीच से कट कर देंगे। इस तरीके से ये एक्स्ट्रा है तो हम एक्स्ट्रा को ऐसे मोड़ सकते हैं। अब हमें इसका रोल बनाना है। रोल बनाना बहुत ही आसान है, इस तरीके से। ज़्यादा टाइट रोल ना बनाएं, नॉर्मली इसको रोल बना देंगे हम इस तरीके से। अब देख पा रहे हैं, देखो कितने बढ़िया हमारी गेम जी बनकर तैयार है। ऐसे ही हम एक बार और दिखा देते हैं, सिंपल ऐसे और बड़े नॉर्मल तरीके से इसको ऐसे मोड़ देना है। आपका रोल बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। ऐसे ही आप इसमें से काट के भी, मतलब इस तरीके से आपको गेम जी बनानी है। ये तो हो गया गेम जी बनाना। अब बताते हैं पेड़ कैसे बनाते हैं। पेड़ भी बनाना सिंपल है। जैसे ये है हमारा, इसको हम ऐसे करेंगे और हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से। बहुत ही आसान है, देखिए इस तरीके से। कई सारे आप इसमें से पैड बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये सॉफ्ट पैड होते हैं जो ड्रेसिंग वगैरह में यूज किए जाते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट तरीका ये है पैड को रखने का। अगर आप इनको ऐसे ड्रम में रखोगे इस तरीके से, मान लो आपने ऐसे रख दिए, फिर आप यूज़ के लिए निकालोगे चिटिल वगैरह से, तो इनका जो ये होता है ना परत, ये आपस में चिपक जाती है। तो हमेशा पैड्स को इस तरीके से मोड़ें, इस तरीके से हमेशा ऐसे, जहाँ भी आप ड्रम में रखेंगे ना, इस तरीके से, इस तरीके से हमेशा मोड़ के रखेंगे। देखिए आप आसानी से इनको ऐसे निकाल सकते हो। तो पैड को रखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, ठीक है ना। और इनको बनाने के बाद हमेशा ऑटो क्लेव करें, तभी यूज़ करें। विदाउट ऑटो क्लेव इनको यूज़ ना करें, क्योंकि इनमें दुनिया भर के बैक्टीरिया लग जाते हैं जहाँ बिछाते हो पीछे से। तो हमेशा ऑटो क्लेव करके ही यूज़ करें। ये थे पैड और ये हमने आपको गेम जी बनाना बताया। और चाहो तो आप जहाँ पे आपको लग रहा है बड़े पार्ट में यूज़ होना है, तो पूरे का ही एक रोल बना सकते हो। जैसे कोई बहुत ज़्यादा बर्न है या बड़े एरिया में आपको लपेटना है, तो आप इस तरीके से सिंगल को भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों हमने आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उम्मीद है कि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि हम हमेशा ही ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।